नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है बॉर्नविटा कुकीज़। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। स्पेशली ये कुकीज़ या फिर बिस्किट बच्चों के लिए है। बच्चे इन बिस्किट्स को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और मुँह में जालते ही घुल जाएंगे। और इन कुकीज़ को आप डंक कुकीज़ भी बोल सकते हैं। बच्चे इन्हें दूध में डुबो के खाना बहुत ही पसंद करेंगे क्योंकि बहुत ही मुलायम और फ्लफ़ी, साथ ही साथ सॉफ्ट ये बनेंगे। और आप इन बिस्किट्स को 10 से 15 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। यहाँ पे आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से इन कुकीज़ में बहुत ही अलग टेस्ट आता है। इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 कप पाउडर शुगर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर को भी मिक्सी में एक बार चला लें, वह पाउडर शुगर बनके तैयार हो जाता है। इसे भी हमें इसमें डाल देना है। और अब हमें एक विस्कर की सहायता से लगातार इसे चलाते जाना है एक ही डायरेक्शन में, और तब तक चलाना है जब तक ये क्रीमी टेक्सचर इसका ना आ जाए। आप थोड़ी देर बाद चलाते हुए देखेंगे इसका जो टेक्सचर है बहुत ही चेंज हो जाएगा और ये वाइट कलर का होने लग जाएगा और बहुत ही लाइट और बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा इसका टेक्सचर। देखिए, मैं 3 से 4 मिनट इसे चला ली हूँ और इसका टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज हो गया है और ये वाइट कलर की ओर चला गया है और बिल्कुल ही लाइट हो गया। अब हमें यहाँ पे एक छलनी ले लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर से डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इन बिस्किट्स को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी ये बनेगा। तो 1 कप हमने यहाँ पे नॉर्मल गेहूं का आटा ले लिया है। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसके बाद इन बिस्किट्स को फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे बॉर्नविटा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 रुपीज़ वाला एक बॉर्नविटा का पैकेट लिया है। इसको मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया। इसमें से 3 से 4 टेबलस्पून बॉर्नविटा का पाउडर हमें मिल जाएगा। इसके साथ इन बिस्किट्स को कलर और फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे एक पैकेट कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 रुपीज़ वाला कॉफ़ी का पैकेट लिया है। इसे भी आप इसी में डाल दें और इन सभी को हमें एक बार छान लेना है। इससे क्या होगा, हमारा जो गेहूं का आटा है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगा और उसमें हवा चला जाएगा और हमारे जो कुकीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। इसके बाद हमें जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको घी के साथ अच्छे से मिला लेना है। देखिए, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से घी को आटे के कण कण में मिला लें और देखिए अब ये असेंबल होने लग गया है। इस डो को गूंथने के लिए हम यहाँ पे 1/2 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे और आपको इसको गूंथने के लिए 1/2 कप दूध भी नहीं लगेगा, उससे कम ही आपको लगेगा। और ये जो दूध मैंने लिया है ये बिल्कुल ही ठंडा चिल दूध मैंने लिया है, फ्रिज से निकाल के यूज़ किया है। इसे आप थोड़ा थोड़ा पहले डालें और आटा गूंथ के तैयार कर लें। आटा ना तो ज़्यादा सख्त होगा और ना ही ज़्यादा मुलायम। थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डालें, एक बार में आप दूध ना डालें नहीं तो डो जो है वो बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है और देखिए अभी अच्छी तरीके से असेंबल होने लग गया है, तो मैं और दूध इसमें नहीं डालूँगी। डो हमारा तैयार है। देखिए, अब हम एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हम बेक करेंगे बिस्किट्स को। और थोड़ा सा आटा लेके देखिए गोल गोल घुमा के इस तरीके का हमें शेप देना है। थोड़ा सा आप चपटा कर लें इन्हें और देखिए इस तरीके से आपको बनाते जाना है। और मैंने हाथ में कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, ग्रीस नहीं किया है, क्योंकि इस डो में इतना तेल है कि ये अच्छे से देखिए बन जा रहा है। इसी तरीके से बाकी बिस्किट्स को आप बना के तैयार कर लें
और यकीन माने ये कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। और एक बार अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आपके बच्चे बार बार बनाने की इसको ज़िद करेंगे। देखिए हमने सब बना के तैयार कर लिया है और इसे अब हम बेक करेंगे। तो मैंने पहले प्रीहीट कर लिया था पैन को 10 मिनट तक। इसके बाद केयरफुली इस प्लेट को आप रख दें और इन कुकीज़ को आपको 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में बेक कर लेना है। अगर 20-25 मिनट में आपका बेक नहीं होता है तो आप इन्हें 10 मिनट तक और बेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके कढ़ाई पे और आपके हीट पे ये डिपेंड करता है। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए वाव, बिल्कुल ही फूले फूले कुकीज़ बनके तैयार हो गए हैं। आपने देखा ना कितना आसान है बनाना और कितने अच्छी तरीके से ये बेक हुआ है। हमने इन्हें ओवन में बेक नहीं किया है, घर के सिंपल कढ़ाई में हमने इसे बनाया है। देखिए मैं इसे डिमोल्ड करके दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से निकल गया और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बेक हुआ है। देखिए नीचे तक बेक हुआ है पूरी तरीके से। आपको पहले ठंडा कर लेना है, फिर आपको इन्हें डिमोल्ड करना है। तो वन बाय वन मैं इसे डिमोल्ड करते जा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे ऊपर से क्रैक आए हैं और कितनी अच्छी तरीके से ये फूला है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ही फूले फूले कुकीज़ बने हमारे। देखिए बिल्कुल ही तैयार है होममेड कुकीज़। तो क्यों लग रहे हैं ना, बिल्कुल ही मैंने मार्केट से इसे ख़रीदा है, लेकिन इसे हमने घर पे बनाया है। बिल्कुल ही फूले फूले और बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं ये कुकीज़। तो चलिए अब मैं इन्हें आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए मैं इन्हें अब आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बिल्कुल ही फूले फूले और सॉफ्ट कुकीज़ तैयार हैं। बच्चे इन्हें बार बार बनाने की जिद करेंगे। तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और देखिए अंदर तक अच्छी तरीके से ये बेक हो गए हैं। आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और साथ ही साथ उन्हें रिप्लाई करने का भी कोशिश करती हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर ये रेसिपी पसंद आई तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।